हेलो बच्चों, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा और डिफरेंशिएशन के एग्जांपल भी किए, ठीक है। तो दूसरा जो पार्ट आता है कैलकुलस का, वो इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है उसका उल्टा, ठीक है। अब यहां देखो, डिफरेंशिएशन क्या था हमारे पास? डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन था हमारे पास डिफरेंस का डिवीजन, डिवीजन ऑफ डिफरेंस। हमने ऐसे लिखा था, जो स्लोप होती है, स्लोप किसके बराबर होती है? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको हमने क्या लिखा था? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अगर डेल एक्स बहुत छोटा है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, देन इसको हमने लिखा था डी वाई बाई डीएक्स। तो देखो, ये वाई का डिफरेंस, ये एक्स का डिफरेंस, और इन दोनों के डिफरेंस का डिवीजन क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेट ऑफ, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि वाई किसके रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट टू किस रेट से चेंज हो रहा है। दिस इज डिफरेंशिएशन। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा था इंटीग्रेशन। तो हमने क्या बताया? इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंस, डिविजन का डिफरेंस। तो डिवीजन का उल्टा क्या? मल्टीप्लीकेशन। और इसका उल्टा क्या? डिफरेंस का क्या? एडिशन। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन का जो एडिशन होता है वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां देखो, ये जो कैलकुलस है इंटीग्रेशन का, वो हम कैसे मल्टीप्लीकेशन का एडिशन करते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है। देखो यहां पे, तो यहां पे एक चीज यहां हम देखेंगे, एक चीज हम यहां पे देखेंगे। क्या चीज देखेंगे वो देखो, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। तो मान लो हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इक्वल टू डीएक्स अपॉन डीटी। ये पढ़ा है सभी ने, बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक्स का डेरिवेटिव निकाला किसके? टी के रिस्पेक्ट टू। तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी, ठीक है। मान लो एक्स हमें दे रखा है टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? v इक्वल टू टू टी आ जाएगा। इसका करेंगे तो, क्योंकि b बाई डी टी और x की जगह कितना है t से, कितना आ जाएगा? टू टी पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम ये कहें, हमें ये दे रखा हो v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन और इसे डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या निकालो? डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे इसे डिस्प्लेसमेंट? तो इसलिए यहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन चाहिए। तो देखो, मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है, ये ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस।
ठीक है, और x और y के बीच में एक ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। हमसे ये कहा जाता है भाई इस ग्राफ का एरिया निकालो फिर एक्स एक्सिस, हम क्या करेंगे ये एक ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, एरिया कितना जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ कितना जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा ओ ए बी सॉरी ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एरिया हमारे पास आ जाएगा, इसका एरिया कैलकुलेट कर ले 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर मान लो ये ग्राफ इस तरह से होता, इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से होता है, और ये कहा जाता है कि इस ग्राफ का एरिया निकालो विद एक्स एक्सिस, हम क्या करते हैं ए बी सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ द ग्राफ हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ठीक। तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन दिक्कत कहां आती है, अगर मान लो हमारे पास ये कैसा ग्राफ होता, देखो मान लो हमारे पास इस तरह का ग्राफ होता है, ये इस तरह, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, और अब हमें कहा जाता है भाई यहां से ये जो ग्राफ है इसका एरिया फाइंड आउट करें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि तो इरेगुलर शेप है, ना ट्रायंगल बनता है ना रेक्टेंगल बनता है, इरेगुलर शेप, तो यहां फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस पूरे एरिया को जो भी एरिया इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर लें, मान लो यहां एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली है, एक स्ट्रिप ले ली यहां पे, एक छोटी छोटी सी स्ट्रिप हम छोटे कर ले, ठीक है, ये डीएक्स, ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये यहां पे ये यहां से यहां तक कितना y1, इसी तरह से ये एक स्ट्रिप ले ली, ये भी कितना dx, इसका एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है, इसी तरह से यहां पे एक स्ट्रिप ले ली, This is, ये y3, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये y3, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस y2, इसी तरह से ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप हम मान लेंगे, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप काट लेंगे, सभी का एरिया निकाल करके आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, इस स्ट्रिप की बात करें, इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इसको छोटे डीएस डीएक्स छोटे छोटे पार्ट्स में काट दें, यहां तक डीएक्स 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 डीएक्स, ठीक है, तो इसका एरिया कितना जाएगा, एरिया ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, एरिया क्या आएगा, वाई वन इंटू डीएक्स डी वन, इसका एरिया कितना जाएगा दूसरी स्ट्रिप का, डी ए टू कितना जाएगा, y2 into dx, इसका कितना जाएगा y3 into dx, ठीक है। अब यहां पे देखो, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, ये छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, ये भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी dx, ब्रेथ कितनी y2, लेंथ कितनी dx, ब्रेथ कितनी y1, ठीक है, ये कितना dx और ये कितना y3। इसी तरह से मान लो इसमें ऐसे छोटे छोटे n स्ट्रिप बनती, तो n स्ट्रिप का dan कितना आएगा, yn into dx, टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप, टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप, तो टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना आ जाएगा,
जितने भी एरिया है सभी का समीशन कर दो, बी ए एन आई वन से लेकर के आई एन बी ए आई वन, ठीक है। यानी कि समीशन का मतलब होता है सम, जितने भी एरिया बी ए वन प्लस बी ए टू ए कर देंगे, बी ए वन प्लस बी ए टू प्लस बी ए थ्री प्लस डॉट 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 डी ए, सभी छोटे छोटे स्ट्रिप्स के एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। और तो कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है क्योंकि सभी की रेगुलर शेप है, और ये जितना छोटा जितना स्मॉल छोटा हो सकता है उतना छोटा ले। और इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को एक ही टर्म में लिखना चाहें तो समीशन आई वन से लेकर के एन और डी ए आई कितना आ जाएगा, इसी को देखो समीशन इसकी वैल्यू कितनी, वाई आई इंटू डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, आई वन से लेकर के आई एन और दिस इज टोटल एरिया, ठीक है भाई। वाई वन डी एक्स प्लस वाई टू डी एक्स प्लस वाई थ्री डी एक्स, इस तरह से इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू वाई वन डी एक्स प्लस वाई टू डी एक्स प्लस वाई थ्री dx और लास्ट में कहा था y n dx। और इसको एक टर्म में लिखना चाहे तो वन रखेंगे तो y1 dx आ जाएगा, टू रखेंगे तो y2 dx आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो y3 dx आ जाएगा, कहां तक जोड़ना है n तक जोड़ना, ठीक है। अब अगर dx की वैल्यू बहुत छोटी है, इफ ये डेल x टेंस टू जीरो, ये तो dx हमारा वेरी स्मॉल, देन इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, समेशन इज कन्वर्टेड इनटू, समेशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, इसको हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई इंटू डीएक्स, ये समीशन हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y इंटू dx। अब इसका मतलब ये है जितने भी y dx है सभी का सम, यहां से यहां तक छोटे छोटे y और dx का सम, तो ये दो प्रोडक्ट्स का ये क्या आ गया, दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स का क्या आ गया, टोटल सम। और यही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, यही चीज क्या कहलाती है बेटा, इंटीग्रेशन कहलाती है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसके एरिया को कैलकुलेट करना, तो क्या करेंगे हम छोटे 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 स्ट्रिप्स में तोड़ लेंगे और फिर हम एरिया को जोड़ लेंगे, छोटे छोटे एरिया को और जोड़ कर, और देखो यहां पे एक स्ट्रिप लेता हूं, मान लो एक स्ट्रिप ली, ये देखो अब इन दोनों में भी फर्क है, इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में, यहां तो सही है, अब यहां पे देखो ये छोटा सा एरिया बच जाता है, तो ये जितना इसके क्लोज होगा ये वाली लाइन, ये जितना इसके क्लोज होगी, ये यहां क्लोज होता है इतना बचेगा ऊपर, और जितना इसके क्लोज होगी उतना ही एरिया की वैल्यू करेक्ट आएगी, दो एरिया जितने की, ये कवर सरफेस है, अगर ऐसे होता तो हम इस तरह से कर सकते, कवर सरफेस है और कवर सरफेस में देखो एक इधर लगे और एक इधर लगे इस तरह से, तो ये देखो ये यहां तक कवर होती है, ये एरिया फिर भी बच जाता है, और हम क्या करना चाहते हैं, पूरा एरिया कवर करना चाहते हैं कि टोटल हमारा एरिया आ जाए, तो ये इसके बहुत ज्यादा क्लोज, ये क्लोज कब आएगा इसके, ये लाइन इसके क्लोज कब आएगी, जब dx क्या होगा टेंस टू जीरो, बहुत छोटा होगा, तो दिस इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हम याद कर रहे हैं, अब देखो कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिजिक्स में कैसे यूज होता है, देखो फिजिक्स में कैसे यूज होता है, मान लो हमारे पास इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर फोर्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जैसे जैसे स्प्रिंग को दबाऊंगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस स्प्रिंग को यहां से हम फोर्स लगाएंगे स्टार्टिंग, ये फोर्स कितना
जीरो, इसको हमने कंप्रेस करना स्टार्ट किया और कंप्रेस करके इसको यहां ले आए, कितना यहां से यहां एक्स डिस्प्लेसमेंट तक इसको कंप्रेस कर दिया, दबाया और यहां पे ये फोर्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां पे ये फोर्स जीरो था, यहां पे ये फोर्स हो गया एफ डैश। भाई जैसे जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, तो हमें और फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से एक फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमें कितना वर्कडन किया कैसे निकालेंगे, तो यहां इसमें ग्राफ कैसे मान लो, ग्राफ इस तरह का आता है, ग्राफ इस तरह का आता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये यहां से और ये यहां तक, यहां एक्स जीरो, यहां पे एक्स, यहां पे मान लो एक्स जीरो था, यहां पे एक्स एक्स वन हो गया, तो एक्स एक्स वन तक क्या करेंगे, इसी तरह से हम ये छोटे छोटे स्ट्रिप काट लेंगे, ये और इसके एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करने का हमें पता है फॉर्मूला, क्या कर लेंगे भाई, ये क्या डीएक्स इधर क्या एफ, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स। तो यहां जो एरिया आएगा फिजिक्स के अंदर, यहां जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो हमें कोई ना कोई क्वांटिटी देगा फिजिक्स के अंदर, ये जो एरिया आएगा दो क्वांटिटी इधर है, तो उन दोनों का एरिया एक नई क्वांटिटी हमारे पास आएगी, उस नई क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। तो यहां से हम भाई कितना वर्कडन हमें करना पड़ा कंप्रेस करने के लिए, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ क्या करें कि हम इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करें, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स में वर्कडन फिर इसी तरह से निकाल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा यहां से कुछ फॉर्मूले हम लिखते हैं और वो फॉर्मूले देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिस इज इंटीग्रेशन y इंटू डीएक्स, तो y इंटू डीएक्स करेंगे तो y की जगह हमारे पास क्या है x की पावर n और dx, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो यहां x की पावर में एक जुड़ जाएगा और जो पावर जुड़ी हुई वो नीचे आएगी n प्लस वन, वहां x की पावर में से घट गया था और घट गया था जो पावर थी वहां मल्टीप्लाई हो गई थी और पावर में एक घट गया था, लेकिन यहां पावर में एक जुड़ जाएगा और जो जोड़ होगा वो नीचे आएगा, और यहां पे प्लस c, c होता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्यों आएगा कॉन्स्टेंट, यहां पे अगर लिमिट नहीं है, यहां पे लिमिट नहीं, भाई कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, अगर लिमिट नहीं दे रखी तो ये इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसके लिए फिर कॉन्स्टेंट पुट करते हैं। अगर यहां पे लिमिट दे रखी होती जैसे ये दे रखा होता एक्स जीरो से एक्स फाइव और ये करते हैं एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, तो फिर हम क्या लिखते हैं एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और लिमिट कहां से कहां तक लगाते हैं जीरो से और फाइव, फिर यहां पे सी नहीं लगेगा, यहां पे लिमिट दे रखी है तो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, कैसा हो जाता है डेफिनेट, अगर यहां पे लिमिट नहीं दे रखी तो इनडेफिनेट, तो उस केस में कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, हमें नहीं पता कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। दूसरी चीज देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स जीरो टू एक्स थ्री, कर लो इसका y dx कितना आ जाएगा, इस इज इक्वल टू कहां से कहां तक एक्स जीरो से एक्स थ्री तक, एक्स जीरो से एक्स थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स कितना जाएगा एक्स की पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन और लिमिट कहां से कहां तक एक्स जीरो से एक्स थ्री, देखो यहां पे कितना जाएगा,
एक्स क्यूब बाई थ्री और लिमिट कहां से एक्स जीरो से एक्स फाइव। अब लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे एक बार एक्स की जगह फाइव का क्यूब करेंगे बाई थ्री माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह जीरो रखेंगे उसका क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये तो जीरो हो गया, कितना आ जाएगा 125 बाई थ्री। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और देखो एग्जांपल, यहां पे देखो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डीएक्स या log x dx, 1 बाई एक्स का कितना होता है, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, यहां पे देखो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, तो इसका जाएगा log x प्लस सी, log x प्लस सी e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा। अगर यहां पे e की पावर 2x होता और dx, तो e की पावर x का तो e की पावर 2x आता और 2x का अलग से करना पड़ेगा, 2x का क्या करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x का अलग से करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। इसी तरह से कोस एक्स डीएक्स, कोस एक्स डीएक्स करें तो कोस एक्स डीएक्स कितना आएगा, कोस एक्स का साइन एक्स। इसी तरह से साइन एक्स डीएक्स, इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस कोस एक्स। ठीक है, secant square x dx tan x, cot square x dx cot x minus का। ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे बेटा, अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो इन फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं नोट्स तुम्हें इसके फॉरवर्ड कर दूंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।